ये वाली सारी चेंजिंग हम ना जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो मैं इसको, बल्कि एक दफ़ा ना मैं इसको रन डाउन देता हूँ, ताकि जब मैं इसको गिट पुश करूँ तो तुम फिर इसे अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करो, तो मैं एक दफ़ा पूरा साइकिल चलाता हूँ फिर इसे तुमने अपने कंप्यूटर में कैसे डाउनलोड करना। ठीक, अभी मैं इसको लिखता हूँ गिट स्टेटस वगैरह, मेरे पास भी कुछ चीज़ें चेंज हो गई हैं, मैं कहता हूँ इन सब चीज़ों को गिट ऐड करें, फिर इन सब को सेव कर लें, सेव डिक्लटर्ड द फोल्डर, फिर हम इसको कहते हैं गिट पुश। यू ओरिजिन मास्टर लिख लूँ या फिर गिट पुश लिख लूँ, दोनों का मतलब सेम ही है, क्योंकि मेरा रिमोट ब्रांच एक ही है, मेरी कोई दो या तीन रिमोट ब्रांचेस नहीं है, तो मेरा सारा कोड अभी गिट हब पे पुश हो गया। अब तुम अपनी अपनी स्क्रीन शेयर करो और उस पे जाकर इसको किसी तरह गेट पुल करो, पहले अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करो वेबसाइट वाले फोल्डर और जाकर ना, और उसके बाद फिर उसके अंदर जो भी चीज़ें वो चेंज करो, मुझे एक दफ़ा दिखाओ कैसे तुम इसको अपने पास कॉपी करो। हाँ जी चेक करो, तुम्हारे पास ये सारा सारे फोल्डर अभी चेंज हो गए हैं इधर से। अभी इसको कैसे तुम अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करोगी, क्योंकि सारी चेंजेस कंप्लीट हो गई। कासिम भाई, बात सुनिए, आपकी आवाज़ बहुत आहिस्ता आ रही है आज। मेरा असल में ना वो आई मैक का थोड़ा सा मसला बना है, उसको रिपेयर कर रहा हूँ, तो फिलहाल लैपटॉप यूज कर रहा हूँ, शायद उस वजह से प्रॉब्लम आ रही है। अच्छा, तो ये आपने सारी फाइल डिलीट कर हाँ मैंने अपनी फाइल में, दी? हाँ मैंने अपनी फाइल में तब्दीलियाँ की हैं ना सारी, जितनी चेंजिंग की हैं जी, वो अब तुम अपने कंप्यूटर में कैसे डाउनलोड करोगे, क्योंकि मैंने गेट ये हब पे आपने इस सारा फाइल किया, में चेंजेस किए, न्यू इवेंट्स और टेस्ट मुझे शेड्यूल वो में? मैंने पूरे फोल्डर में किया है। कौन से फोल्डर में किए हैं, वेबसाइट वाले फोल्डर में किए अच्छा, हैं। हाँ तो अब वो वेबसाइट वाले फोल्डर को तुमने अपग्रेड करना है, क्योंकि तुम्हारा वेबसाइट वाला फोल्डर आउटडेटेड हो गया, मैंने इसके अंदर कुछ ठीक है चेंजिंग ठीक की। ठीक है, तो अब कैसे काम स्टार्ट है। करोगी। गेट स्टेटस है हाँ गिट स्टेटस करो, लेकिन तुमने पहले अपने कंप्यूटर में ये तुमने कौन सा फोल्डर खोला हुआ है कमांड प्रॉम्प्ट के अंदर, वेबसाइट का, वेबसाइट वेबसाइट का। मैंने किस फोल्डर में चेंजिंग की है अपने कंप्यूटर में, में, हाँ, और गिटहब में किस कंप्यूटर में चेंजिंग हुई है, वेबसाइट में। वेबसाइट। तो तुम्हारे वाले कंप्यूटर में गिट स्टेटस लिखो, ठीक है। तो अभी तुमने गिट, तुमने अपने पास कंप्यूटर में डाउनलोड नहीं किया, ठीक है, कुछ भी डाउनलोड नहीं किया, तो यू नीड कि तुम्हारा फोल्डर अपडेटेड हो, जो गिटहब पे पड़ा हुआ है, जो मेरे कंप्यूटर में कोड पड़ा हुआ है, तुम्हारे वेबसाइट वाले फोल्डर में भी वही कोड हो, तो कैसे इस अपने फोल्डर को अपग्रेड करोगी। मैं इसको गेट क्लोन करके, अच्छा नहीं, गिट पुल, गिट क्लोन हमने तब करना होता है जब हमने बिल्कुल नया फोल्डर बनाया हो, तो सिर्फ और सिर्फ गिट पुल लिखो, ताकि तुम्हारे पास जो भी इंटरनेट पे या वेबसाइट वाले फोल्डर में मेरे में और गिटहब में चेंजिंग आई हैं वो सारी तुम्हारे कंप्यूटर में डाउनलोड हो जाए। मतलब आपने अपने कंप्यूटर में कुछ चेंजेस किए, तो अब मैं वो अपने कंप्यूटर अपने वेबसाइट वाले फोल्डर में ला रही हूँ। ठीक है, नहीं, वेबसाइट वाले फोल्डर में नहीं लेके जा रही, तुम अपने कंप्यूटर में लेके जा रही हो। पीछे देखो क्या लिखा हुआ है, सी। हाँ मतलब ये तुम्हारा जो लैप, मैंने जो चेंजिंग की है वो चेंजिंग अपने कंप्यूटर में की सबसे पहले, ठीक है, ठीक है, हाँ थोड़ा समझने की कोशिश करो। सबसे तुम्हारे सामने अभी मैंने कुछ फाइल्स डीक्लटर की, रिमूव की, अब मैंने जी उन फाइल्स को गिटहब के ऊपर पुश कर दिया, ठीक वो सारी फाइल्स गिटहब पे चली गई। गिट पुश का मतलब क्या है, गिट पुश का मतलब है कि जो जो मेरे कंप्यूटर में चेंजिंग हुई है वो सारी मैं इंटरनेट पे चढ़ाना चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ वो मेरे कंप्यूटर वाला सारा कोड गिटहब पे चला जाए, वो गिटहब पे चला ठीक गया। अब गिटहब का जो फोल्डर है वो तुम्हारा और मेरा फोल्डर कंबाइंड है, उसके अंदर सारी है चीज़ें जो भी मैंने, जो तुम कोड लिखोगी मैं लिखूंगा, वो सारा उधर पड़ा होगा। अब जब ठीक है गिटहब के ऊपर हमारा सारा कोड अपडेट हो गया है, तो मैं चाहता हूँ कि वो वाला सारा कोड, मतलब अब तुमने, यानी तुमने अब काम स्टार्ट करना है अपने लैपटॉप के ऊपर, तो तुम पहले हाँ जी गिटहब वाले कंप्यूटर के साथ अपने आप को मैच करोगी, ठीक है। ठीक है ठीक तो वो मैच करने के लिए सबसे पहली स्टेटमेंट होती है गिट पुल, है हाँ एंटर करो। बिल्कुल ये अब इंटरनेट से कुछ चीज़ें डाउनलोड करेगा तुम्हारे फोल्डर के अंदर रख देगा, ठीक है। तो इसने कहा कि हमने जितनी भी चीज़ें थी वो सारी चीज़ें हमने चेंज कर ली हैं, अब आपकी ये जी सारी फाइलें अपडेट हो गई हैं, अब तुम अपना ठीक गिट है स्टेटस लिखो,
राइट गेट स्टेटस। हाँ जी अभी एंटर करो, अभी वो कह रहा है कि तुम्हारी फाइल अप टू डेट है। अब जब तुम वेबसाइट वाला फोल्डर जाके खोल के देखो कि वो सारी हमारा जितना क्लटर हुआ हुआ फोल्डर था वो सारा खत्म हो गया। ठीक है ठीक है। हाँ अब जाके देखो एक दफ़ा वेबसाइट वाला फोल्डर, या इधर ही DIR लिखो या उधर वेबसाइट पे फोल्डर पे जाके। अच्छा अब डी क्लटर हो गया, चैप्टर 8.png मैंने नाम दिया था, चैप्टर 9.jpg तुमने मैंने नाम दिया, ये सारी चीज़ें जो जो चीज़ें मैंने अपने कंप्यूटर में की हैं वही सारी चीज़ें तुम्हारे कंप्यूटर में रेप्लीकेट होगी। ठीक हो गया ना। अब तुम्हें हाँ इसको प्रैक्टिस करना है, तुमने मतलब GitHub को आराम से बैठ के समझना है कि गिट पुल का क्या मतलब है, कासिम भाई का कंप्यूटर है, मेरा कंप्यूटर है और GitHub के ऊपर हमारी एक रिपॉजिटरी है, वो वाला कंप्यूटर, तो इन तीनों कंप्यूटर्स को एक साथ कैसे लेके चलना है। ठीक है ना। ठीक हो गया। मतलब मैं अब ये वाली चीज़ तुम निकाल के टाइम आराम से बैठ के आज पूरा दिन लगा के समझने की कोशिश करो कि तीन कंप्यूटर हैं, एक कासिम भाई का कंप्यूटर है, एक GitHub का कंप्यूटर है, एक मेरा कंप्यूटर है, मैं इन तीनों कंप्यूटर्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं, हम एक कंप्यूटर पे काम नहीं कर रहे, सदफ आइसोलेशन में काम नहीं कर रहे, हम तीन कंप्यूटर्स के अंदर एट वन टाइम काम कर रहे हैं, हम नहीं चाहते कि किसी भी जगह पर कोई चेंजिंग हो और वो हमें पता ना चले। ठीक है। हम चाहते हैं कि हम तीनों कंप्यूटर्स के अंदर जो भी चेंजिंग हो वो हम तीनों को हम दोनों के पर्सनल लैपटॉप्स के अंदर अपडेटेड हो, अपग्रेडेड हो, किसी जगह पर कोई कोड मिसिंग ना हो। ठीक है ना। तो उसके लिए तुम्हें थॉरो कमांड चाहिए, कमांडें कोई ज़्यादा नहीं है यार, चार या पांच कमांडें, एक गिट पुल की कमांड तुमने देखा है हम यूज़ करते हैं, एक गुड गिट पुश की कमांड हम यूज़ करते हैं, और कौन सी कमांड, मतलब हम गिट पुल और गिट पुश ही यूज़ करते हैं, और एक गिट क्लोन यूज़ करते हैं। ठीक है। तो गिट क्लोन एक दफ़ा कंप्यूटर के ऊपर ले खोल के देख के पढ़ो, एक दफ़ा सारा आर्टिकल खोलो आज GitHub का, उसको पढ़ने की कोशिश करो, YouTube पे वीडियो देखो कि GitHub क्या चीज़ है, वो क्या करना चाहती है, फिर गिट पुल का क्या मतलब है, गिट क्लोन का क्या मतलब है, गिट पुश का क्या मतलब है, इनको एक दफ़ा पढ़ो थॉरोली, इनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो, अब्सॉर्ब करो। ठीक है। तो अभी हम ना ये सारा कोड तुम्हारा और मेरा कंप्यूटर मैच हो गया, अब मैं आगे चलता हूँ और आगे जाके अभी हम जो लैंडिंग पेज के अंदर हमारे प्रॉब्लम्स हैं इवेंट्स वाले पेज के अंदर, हम वो उस इवेंट्स वाले पेज को अपग्रेड करेंगे। तो अभी मेरी स्क्रीन देखो मैं उसको कैसे अपग्रेड करता हूँ। तो मेरी स्क्रीन नज़र आ रही है? सबसे पहले हमने इवेंट्स वाले पेज को फिक्स करना, तो इसमें भी हमारी वो देखो एरोज दिखा रहा है, कह रहा है कि कुछ आपके हेड में चीज़ें पड़ी हुई हैं, कुछ चीज़ें हैं जो गलत हैं, इससे नहीं होनी चाहिए, अब आपने कौन से वाली चीज़ों को मेंटेन रखना है, कौन सी चीज़ों को डिलीट करना है। तो मेरे ख्याल से अब ये है ना, मैं पहले इसको फॉर्मेटिंग कर दूँ। अच्छा आपको कह रहे हैं कि आपके ये बिल्डिंग स्केलेटन ऑफ अ वेबसाइट ये सारा अपडेटेड है, बॉडी को भी हमने अपडेट रखा हुआ है। बॉडी आ गई, बॉडी अब डबल रिपीट हो रही है, मेरे यहाँ से दोनों बॉडीज का कोड सेम है, तो एक बॉडी को डिलीट कर देते हैं, उसके बाद लेबल भी रिपीट हो रहा है, लेबल को भी नीचे वालों को रहने देते हैं, नीचे वालों को। आप वो कह रहे थे यहाँ पर आपकी कुछ चेंजिंग नीचे वाला कोड है इस कोड को
कमेंट आउट कर दिए। तो हमारा कंटेनर है, कंटेनर के बाद हमारा लेबल है, लेबल के बाद हमारा इमेज बटन जो कासिम भाई मैं गलतियां कोड में करती हूँ आप अप टू डेट कर देते हैं। क्या कह रही हो? मैं कह रही हूँ जो गलतियां मैं करती हूँ वो आप अप टू डेट कर देते हैं। नहीं वो जो तुमने अभी इसको ना वो गिट हब की अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से, मतलब तुमने सिर्फ गिट हब तुम्हें नहीं पता था, इस वजह से क्या हुआ कि तुमने उसको यानी मर्ज कर दिया दोनों ब्रांचेस को, ठीक है? तो मैं इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि तुम गिट हब को थॉरली अंडरस्टैंड करो। तुम्हें कोडिंग आती है, कोडिंग का तुम्हें मसला नहीं है, लेकिन क्योंकि मेरी और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं हो रही ना, यानी सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो रही गिट हब के अंडरस्टैंडिंग ना होने की वजह से, तो इसलिए फिर कोड मुझे फिक्स करना पड़ता है, ठीक है? यानी जब मैं बैठता हूँ इधर आके तो वो मर्जिद हो जाते हैं, फिर वो मर्जिद रिमूव करना पड़ता है। तो अभी मैं वो मर्जिद रिमूव कर रहा हूँ, लेकिन अभी अभी शायद वो सारे रिमूव ना हो, अभी इसको हम देखते हैं कैसे ठीक करते हैं। तो कोड का तुम्हें मसला नहीं है, कोडिंग तुम्हें आती है उसका, तुम वो तुम्हें वो तुम कर लेती हो, कोडिंग तो कोई उसमें बड़ी बात नहीं है, वो तो तुम कर लेती हो, तो इट इज़ फाइन, परफेक्ट। अभी सिर्फ और सिर्फ तुम्हें आना चाहिए कि गिटहब को हमने ऑपरेट कैसे करना है, यानी मेरी और तुम्हारी फ्रीक्वेंसी मैच कैसे हो, ठीक है ना? तो मैं इसलिए तुम्हें कह रहा हूँ कि एक दफ़ा खोल के उसको प्रॉपरली थॉरली देखो कि ब्रांचेज हमने कैसे बनाएंगी हैं, उनको कैसे हम लेके चलते। हमारा लेकर
लोकल आ गया, लोकल के बाद हमारा कार्ड, कार्ड तो हमें नहीं चाहिए, कार्ड कार्ड के अंदर हमने एक छोटा बॉक्स बनाया, उसका नाम रखा चैप्टर। उसके बाद हमने एक लेफ्ट साइड का बॉक्स बनाया, उसको हमने नाम दिया चैप्टर वेस्ट डॉट। और फिर उसको हमने राइट साइड पे एक ओके बनाया, एक इमेज आ गया। उसके बाद हमने एक छोटा डेट बनाया जो लाइट वाला लाइट वाला डेट, उसका हमने नाम दे दिया लाइट वाला। अभी तुम सजेस्ट मेरा कोड नज़र आ रहा है, मेरी स्क्रीन देख सकती हो? अच्छा, इसमें ना तुम देखो सबसे टॉप पे कंटेनर है, ठीक है जी। ये कंटेनर कौन से वाला है जो सबसे आउटर हमारा, हमने कहा हाँ जी, जिसके अंदर तीन फर्दर डिविजंस पड़ेंगे, तीन फर्दर हमारे बॉक्स है। सबसे पहला बॉक्स है हमारा लेबल का, दूसरा बॉक्स है हमारा कार्ड का, और तीसरा बॉक्स हमारा किस चीज़ का है, डेट्स का। तो कार्ड वाला बॉक्स क्लोज में पड़ा है, अच्छा कार्ड का हमने क्लोज कार्ड कार्ड्स के अंदर भी हमने फर्दर वो किया था काम। तो हमने कार्ड को एक दूसरा बॉक्स है हमारा कार्ड का, और तीसरा बॉक्स है हमारा डेट्स का, ठीक है ना। तो ये वाला बॉक्स, अब हमारे पास जो कार्ड है उस कार्ड के अंदर हम देखो, कार्ड के अंदर हमारे पास एक ही बॉक्स है और उसका नाम है चैप्टर, ठीक है। ये वो वाइट वाला डब्बा जो मैंने कल तुम्हें उस पर पेपर पे क्वेश्चन बना के दिखाया था ना, एक वाइट पेपर पे, कि ये दरमियान में हमारा हमारा वाइट बॉक्स, मतलब वो जो हमने दिखा के ये अब वाइट बॉक्स बन गया, दरमियान में हमने इसको रखा। अब वो चैप्टर के अंदर फिर हमारे पास मजीद दो डब्बे हैं, एक हमारे लेफ्ट साइड पे इमेज वाला डब्बा है, उसको मैंने नाम दे दिया चैप्टर 8.jpg, वो इमेज इमेज ही आ गया वो डब्बा हमारा पूरे का पूरा। और राइट साइड पे हमारा वाइट बॉक्स बन गया, ठीक है, जिसके अंदर हमने चैप्टर का नेम देना है, जिसमें हमने उसके डिस्क्रिप्शन देनी है, और नीचे बटन डालने। तो वो हमारा चैप्टर का नेम आ गया, इसके अंदर डिस्क्रिप्शन आ गई, और फिर नीचे बटन आ गई, ठीक है। अब तुमने क्या करना है, ये हायरार्की हमारी बिल्कुल परफेक्टली फाइन है, इस हायरार्की को तुमने इसमें अल्टरेशंस नहीं करनी, मतलब तुमने बॉडी के अंदर तुमने कोई अल्टरेशंस नहीं करनी। अब तुमने क्या करना है, तुमने आज जो तुम्हारी असाइनमेंट है, जो हमने वाइट पेपर्स के ऊपर स्ट्रक्चर डिज़ाइन किया था, ठीक है जी, उसके मुताबिक इन तमाम चीज़ों को अप्रोप्रिएटली पेज के ऊपर प्लेस करना, क्योंकि ऊपर सी एस एस की प्रॉपर्टीज अभी ख़राब हो चुकी, ठीक है ना। तो अब तुमने सी एस एस की प्रॉपर्टीज़ को फिक्स करना है, जो इसके अंदर जब वो, या शायद तुम्हें सी एस एस का पूरा कोड रिमूव करना पड़े, और रिमूव करके फिर तुम्हें नए सिरे से बनाना पड़े, पहले कंटेनर लेबल कार्ड और डेट्स डालो, फिर उसके बाद इस कार्ड को फिक्स करो, कार्ड के अंदर चैप्टर वाला बॉक्स बिल्कुल कार्ड के सेंटर पर लेके आओ, फिर चैप्टर के अंदर मजीद दो डिविजन हैं, लेफ्ट साइड पर इमेज है, राइट साइड पर वाइट बॉक्स है, तो उन दोनों का अप्रोप्रिएटली प्लेस करो। तो जो नीचे बॉडी वाला हमारा कोड है, इसको तुमने चेंज नहीं करना, तुमने सिर्फ ऊपर सी एस एस को चेंज करना है, कि नीचे वाला जो कुछ हमारा पेज पड़ा हुआ है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हें इमेज सोर्स शायद चेंज करनी पड़ेगी, क्योंकि इमेज अपडेट नहीं हुआ हुआ, तो तुमने ऊपर सी एस एस को इस तरीके से एडजस्ट करना है कि नीचे पेज हमारा सही तरीके से देखने वाले को ठीक नजर आए, ठीक है। तो ये तुम्हारी असाइनमेंट है। अब मैंने इस कोड को सारे को चेंज किया, आई हैव चेंज्ड ऑल दिस कोड, बट आई विल डू इट,
आई विल गो टू माई कमांड लाइन टूल, जिसमें तुम गिट बैश पे जाती हो, और वहाँ पे मैं जाके जी सबसे पहला काम करूँगा गिट स्टेटस, ठीक है? ठीक वो कहेगा कि आपने कुछ फाइल के अंदर चेंजिंग की, मैं वही करूँगा गिट ऐड इस फाइल को अपने पास, यानी ये तो तुमने जब भी वो रेड हो जाए इसको ग्रीन बनाना है। अब जब गिट ऐड किया तो ये क्या ग्रीन हो गया, बिल्कुल ग्रीन हो गया। अब मैं इसको अपने पास सेव कर दूँगा, ठीक है? इवेंट्स कमिट किया, उसके बाद मैं इसको गिट पुश यू ओरिजिन मास्टर करूँगा, ये सारे का सारा कोड गिट हब के ऊपर डिप्लॉय हो जाएगा। ऑलराइट, अब तुमने क्या करना है, तुमने इसी कोड को एज इट इज गिट हब से अपने कंप्यूटर में डाउनलोड करना है, क्योंकि मेरा कंप्यूटर भी अपडेट हो गया है, गिट हब पे भी अपडेट हो गया है, लेकिन तुम्हारा अपग्रेड नहीं हुआ। तो तुमने सबसे पहला काम स्टार्ट करना है गिट पुल से। जब गिट पुल करोगी ये फाइल तुम्हारे पास अपने कोड में कॉपी होगी, ठीक है? ठीक है। और इस फाइल को अपने पास कॉपी करने के बाद तुमने फिर उसके अंदर चेंजिंग करनी है, चेंजिंग करने के बाद फिर गिट स्टेटस लिखना है, गिट ऐड लिखना है, गिट कमिट लिखना है, गिट पुश लिखना है, ताकि दोबारा गिट हब पे तुम्हारे वाला कोड भी अपडेट हो जाए, ठीक है? तो तीन कमांड हैं, गिट पुल, गिट पुश और तीसरी कमांड है गिट क्लोन। इनको आज थॉरली स्टडी करो। जब तक तुम्हें गिट क्लैरिटी नहीं आ जाती कि गिट को कैसे ऑपरेट करना है, तब तक तुमने गिट वाली कमांड यूज नहीं करनी, ठीक है? मतलब तुमने तब तक इस रिपोजिटरी के ऊपर, तुम गिट हब के ऊपर काम तब तक तुमने नहीं शुरू किया जब तक तुम्हें गिट हब की पिक्चर क्लियर नहीं हो जाती कि क्या काम करना है, क्या नहीं करना, ठीक है? जब वो हो जाता है उसके बाद फिर हम इवेंट्स डॉट एच टी एम एल फाइल को अपडेट करेंगे। वो तुम्हें आता है सारा, सी एस एस प्रॉपर्टीज तुम्हें आती हैं, उसका मसला नहीं, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि हमने उस कोड को मर्ज कैसे करना है दूसरे के साथ, ठीक है? हाँ, तो बस ये आज तुम्हारी असाइनमेंट है। यहाँ पर फिर हम क्लोज करते हैं, 7 बज गए, यहाँ से फिर हम, हाँ कल तो मैं बात सुनी आपसे, उन्होंने बात पूछी थी, आप मुझे आप मैसेज किया था अपने फ्लायर का, हाँ वो जरा मुझे 2-3 प्लीज मिनट लगा कि वो फ्लायर का जल्दी से बता दें, वो मैंने कैसे बनाना।